जिला महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष आशा सिंह राजपूत मित्र मंडली द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का लकी ड्रा खोला गया। पहले विजेता को फ्रिज, दूसरे को बड़ी एलईडी, तीसरे को 32 इंची एलईडी के साथ ही 25 लोगों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। पधारे, मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय हमारे शर्मा जी पधारे और मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे समाज के वरिष्ठ और कांग्रेस के वरिष्ठ आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी से निवेदन है कि वे मेरे आग्रह पर, मेरे निवेदन पर हाथ जोड़ के प्रार्थना हम कर रहे हैं। स्वागत किया जाए भाई शिक्षा कानून रुद्र प्रताप सिंह 44 नंबर पंकज जैन साहब निकालेंगे एक पर्ची। सुनीता साहू वार्ड नंबर 19 14 पर्ची नंबर, ये 14 पर्ची नंबर है। अब आदरणीय करतार सिंह जी निकाले भाई साहब लीजिए दुर्गा नगर। अब सैलन की लकड़ी खोलेंगे सैलन सिंह राजपूत जी सेव। अब मैं शैलेंद्र भाई से भी निवेदन करूंगा कि दीपक भाई के बाद भाई भी एक पर्ची निकाले। जो हमारे कार्यक्रम की आयोजिका है उन्होंने उमा पंती जी का नाम ओपन किया है जिनका नंबर है 327 मोहनगिरी से है। एक पर्ची कितनी हो गई भैया पूछो कितनी हो गई पर्ची क्या यादव तलैया मोहल्ला 1365 प्रदन्या यादव। अब मजीद भाई से आग्रह करूंगा कि भाई पर्ची निकाले। अनुपी मिश्रा जी ने भी एक भजन की प्रस्तुति की थी उनको भी पुरस्कृत किया जा रहा है वो भी आए और हमारे अध्यक्ष जी आज इसको पुरस्कार देंगे ताकि हमारे नन्हे मुन्ने बालकों का उत्साह वर्धन होता रहे। शीघ्र आपके शीघ्र बधाई हो और जो भी आ जाएंगे बाद में हो जाएंगे। इसलिए आप एलईडी वॉल्व की महत्ता भी समझे क्योंकि 1529 नंबर है संतोष मोहनगिरी से है कि हो तो अपना प्राइस चढ़ार रवि चढ़ार मोहनगिरी रवि चढ़ार मोहनगिरी 442 का नंबर है। हम लोगों के मन में ये आया कि हमारे पत्रकार साथियों को भी हमारी समिति की ओर से कुछ न कुछ भेंट किया जाए। सांत्वना पुरस्कार स्वरूप प्रेस भेंट की जा रही है। उन्होंने उमा पंती जी का नाम ओपन किया है जिनका नंबर है 327। ये पर्ची देखो भैया इंतजार जो आते जाएंगे। हाँ अब इसके बाद सेलिन पटेल निकालेंगे बाल कृष्ण बैरागी 238। बैग में कचू रखो भी नहीं है खाली है खाली है खाली का लकी ड्रा किया जा रहा है। दो लोग और बचे हुए हैं। ये जो प्रतियोगिता आपके द्वारा की गई थी क्या उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य था कि हमारे विदिशा की जो धरोहर है और विदिशा में जो हमारा मतलब इतिहास रहा है उस पे बच्चों को और बड़ों को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि हमारी कौन सा चौराहा किस नाम से है। इसमें इसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये इनाम रखी थी। बच्चों ने सब में जागृति आए अपने जिले और अपने नगर के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसे लग रहे हैं? देखिए हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आशा सिंह जी मतलब इस रचनात्मक काम करती हैं और आज इन्होंने बच्चों में ये जो प्रतिस्पर्धा आयोजित की है सामान्य ज्ञान की एक अच्छी शुरुआत है और मैं इनके इस काम का बहुत प्रशंसा करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरह के अगर प्रतियोगिताएँ हों तो मैं समझता हूं सामान्य ज्ञान के साथ बच्चों में पढ़ने की जिज्ञासा भी होगी और इससे युवा पीढ़ी का भविष्य भी संवरेगा।